कहा जाता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटने के बल चले। कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 में भारत की शिकस्त के बाद फैंस काफी दुखी रहे और क्रिकेटर्स के लिए भी ये काफी बड़ा नुकसान है। वर्ल्ड कप के मैचों में लगातार जीती आ रही टीम इंडिया का फाइनल में हारना काफी निराशाजनक है। अब इस हार को लेकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया को बधाई देते हुए भारतीय क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई की है। दरअसल वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट किया है और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया है। बता दें कि भारतीय टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। कह सकते हैं कि पूरे टूर्नामेंट में विजय रथ पर सवार भारतीय टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारत की हार के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का काम किया। सचिन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आप जो दर्द से गुजर रहे हैं इसकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया को 6ठी विश्व कप जीत पर बधाई। सबसे बड़े मंच के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला। टीम इंडिया की किस्मत खराब है, शानदार टूर्नामेंट में सिर्फ एक खराब दिन तोड़ने वाला हो सकता है। मैं खिलाड़ियों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों की पीड़ा की कल्पना कर सकता हूं और उन पर क्या गुजर रही होगी ये भी समझ सकता हूं। हर चीज खेल का हिस्सा है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारे लिए अपना सब कुछ दिया है। आपको बता दें कि वहीं जब भारतीय टीम मैच हार गई तो सचिन मैदान पर आए थे और सभी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर उनको संतावना देते हुए भी नजर आए थे। सचिन ने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनके दुख को खत्म करने की कोशिश की थी। सचिन के इस जेस्चर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। बता दें कि 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन से हरा दिया था। उस दौरान सचिन भी टीम इंडिया की ओर से खेल रहे थे। सचिन ने वर्ल्ड कप 2003 में कमाल का परफॉर्मेंस दिया था और 673 रन बनाने में सफल रहे थे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार।